हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नौकरी तक यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे बिहार एलआरसी के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। एंड इस अपडेट्स में रिजल्ट्स के बारे में बताया गया है, ज्वाइनिंग लेटर्स के बारे में बताया गया कि कब तक आएगा, ट्रेनिंग प्लान के बारे में बताया गया कि आप लोग की जो ट्रेनिंग होगी, जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग जो होगी उसके बारे में बताया गया। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, बिहार एलआरसी से रिलेटेड या जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज वगैरह जो भी आती है उसके बारे में आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहले पहुंच जाएगा, आप लोग इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उस आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं, उस अपडेट्स के बारे में जानते हैं कि क्या अपडेट्स आई है। तो उस अपडेट्स को जानने के लिए सबसे पहले उस आर्टिकल्स को ओपन करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने आर्टिकल्स ओपन कर लिया, काफ़ी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल्स आया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो बहाली के लिए अनुरोध करेगा राजस्व विभाग, ये जो एलआरसी डिपार्टमेंट है ये रिक्वेस्ट करेगा किसको, बहाली के लिए हाई कोर्ट को जो रिक्वेस्ट करेगा कि जो इसका रिजल्ट्स के बारे में रिक्वेस्ट करेगा। अब किस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, किस किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेगा, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, आज ही का एडिशन है, काफ़ी ट्रस्टेड न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया है। तो हम इस आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं 6800 से अधिक पदों पर होनी है बहाली, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता ही होगा। एंड सर्वे कार्य को सफल बनाने का जो है सघन प्रचार जो है अभियान होगा। तो ये तो बताया गया है कि इस ये जो रिक्रूटमेंट है इसलिए की जा रही है कि सर्वे का जो भी काम उसको जल्द से जल्द किया जा सके। अब मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा आर्टिकल्स के बारे में। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को लिपिक एवं अमीन आदि 6800 से अधिक पदों पर बहाली के लिए तैयार रिजल्ट को घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय में अनुरोध दाखिल पत्र करेगा। ये अनुरोध इसलिए रिक्वेस्ट किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पता चल गया है कि काफ़ी डिले हो गया, स्टूडेंट्स सब बहुत ही गुस्सा है, तो रिजल्ट अब ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते, इसलिए डिपार्टमेंट खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्ट से कि जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए। एंड विभाग अदालत को बताएगा, क्या क्या बताएगा कि रिजल्ट तैयार कर लिया गया, यानी डिपार्टमेंट ने रिजल्ट तैयार कर लिया है, ये अदालत को बताएगा। और प्रशिक्षण की कार्य योजना भी बना ली है डिपार्टमेंट जो है, एलआरसी डिपार्टमेंट प्रशिक्षण का प्लानिंग भी बना लिया कि कहाँ पर प्रशिक्षण होगा, कब से प्रशिक्षण स्टार्ट होगा, कितने दिनों का होगा। ऐसी स्थिति में रिजल्ट निकालने में देरी होने पर सर्वेक्षण की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, जितनी जल्दी आप लोगों को रिजल्ट्स की है उतनी जल्दी डिपार्टमेंट को भी, इसलिए है क्योंकि अभी जो सर्वे का काम होना है, अगर रिजल्ट्स में देरी और होती है तो फिर उसमें सर्वे में भी और देरी हो सकती है। सर्वेक्षण की प्रक्रिया विलंब हो सकता है। सर्वेक्षण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने यह निर्देश दिए। गौरतलब है कई अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिजल्ट याचिका दायर करने से रिजल्ट जारी करने में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है पर रिजल्ट की बाबत कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। अदालत में सुनवाई तो हो रही है पर थोड़ा सा डिले हो रहा है जिसकी वजह से डिपार्टमेंट खुद चाह रही है। इसका जो मेन जो कहने इस आर्टिकल से बताया गया है कि सारा काम ओके हो चुका है बस रिजल्ट्स की देरी है, तो डिपार्टमेंट खुद रिक्वेस्ट कर रही है जल्द से जल्द रिजल्ट जाए दिया जाए ताकि जो भी स्टूडेंट्स इतने टाइम से परेशान हैं वो भी खुश हो जाए और डिपार्टमेंट का भी काम हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर पसंद लाइक करके ही जाना, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। एंड इसी तरह की वीडियोज़ के देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर किसी नए वीडियो में आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊँगा किसी नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।